आप सभी साथियों को जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का एसएलबी आर्मी में, एसएलबी फैमिली में, एसएलबी सिविल सर्विस पे। उम्मीद है कि आप सारे लोग पहले के जो मैराथन है उसको बहुत आपने एंजॉय किया होगा। आज हम सब लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को कराने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आज कराने जा रहा हूँ, उसको मेरे साथ आपको सॉल्व करना है। हो सकता है बहुत सारे सवाल आपसे सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो कुछ, तो जो हो जाए वो अच्छी बात है, नहीं हो तो उसको सीखना है और बहुत ध्यान से इस बात को करना है आप सब लोगों को। ये जो क्लास है ये आपके आरओ एआरओ के साथ साथ जो आपके यूपीपीसी का जो पेपर है मार्च में, उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना समय गवाए आप सभी साथियों को जय हिंद। शुरू करते हैं आज के सेशन को। तैयार हो आप सब लोग? एक बार बताएं आप सब लोग, सब लोग ठीक हो? अच्छे से चल रही है पढ़ाई? और पढ़ाई में अब गति आ जानी चाहिए, मोशन आ जानी चाहिए, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, लगातार मेहनत करना है। पहला प्रश्न है आप सब लोगों के बीच में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ उत्तर प्रदेश के जो भी आपके ट्रेडिशनल फेस्टिवल हैं, जो भी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण आपके मेला है, जो भी महत्वपूर्ण आपके महोत्सव है, उसको एक बार मैं आप लोगों के सामने दिखा देना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या फेमस है। जैसे प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में आप कुंभ मेला देखते हैं। कुंभ मेला भी दो तरीके का होता है, एक 6 साल के बाद लगता है और एक 12 साल के बाद लगता है। फिर वार्षिक माघ मेला है। आगरा में जब आप जाओगे तो वहां पे आपके आ जाता है कैलाश मेला, वहां पे क्या आ जाता है राम बारात, वहां पे क्या आ जाता है गंगौर मेला, वहां पे क्या आ जाता है पशु मेला बटेश्वर, फिर क्या आ जाता है ताज महोत्सव आ जाता है। जब हम बात करें ब्रज की, मथुरा नंदगांव की, तो यहाँ पे लटमार होली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और मटकी लीला आ जाता है। जब हम मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ में नौचंदी मेला आ जाता है। गढ़ मुक्तेश्वर में आप लोग गए भी होंगे, गढ़ गंगा मेला। चित्रकूट में रामायण मेला, वाराणसी में देव दीपावली, नक्कटैया गंगा महोत्सव, झांसी में आयुर्वेद झांसी महोत्सव, अयोध्या में सरवन झूला मेला, रामनवमी, अंबेडकर नगर में गोविंद साहब मेला की चोचा शरीफ, बाराबंकी में देव मेला देवा शरीफ, गोरखपुर में तरकुलहा मेला, मकर संक्रांति खिचड़ी मेला, कपिल वस्तु सारनाथ कुशीनगर श्रावस्ती कौशाम्बी संकिसा में बुद्ध महोत्सव। अब एक एक करके हम चीजों को देखेंगे, इसी पे आधारित कुछ प्रश्न को। ये सवाल देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सुमेलित नहीं है। शास्त्रीय गायक घराना, देखो अलग अलग, जो जैसे क्लासिकल डांस, जब हम क्लासिकल डांस के बारे में बात करते हैं तो टोटल क्लासिकल डांस की संख्या कितनी हो जाती है भाई? तो टोटल क्लासिकल डांस की संख्या आपकी हो जाती है 8। टोटल 8 हो जाती है, जिसमें भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु में, मोहिनीअट्टम और कथकली की बात करें तो केरल में, कुचिपुरी की बात करें तो आंध्र प्रदेश में, सत्रिया की बात करें तो असम में, मणिपुरी की बात करें मणिपुर में, ओडिसी की बात करें तो ओडिशा में, और आपके कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल हमने सही बोला, लेकिन सवाल ये बोला कि शास्त्रीय गायक घराना, तो सवाल ये बोला कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जब बिरजू महाराज के बारे में बात करें तो ठीक है, बिरजू महाराज आपके कहा से भाई, काल का बिंदादीन। उस्ताद राशिद खान के बारे में बात करें तो उस्ताद राशिद खान कहां से भाई, तो ये है आपके रामपुर सहसवान। ये कौन से घराने से संबंधित है, तो ये है रामपुर सहसवान, ये भी सही बात है। पंडित छन्नू लाल मिश्रा, ये आपके पाटियाला से नहीं है, याद रखिएगा आप, अजूर नहीं आए आपको नोट बनाते जाना है मेरे साथ। ये जो आपके पंडित छन्नू लाल मिश्रा जी हैं वो किराना घराना से संबंधित है। कौन से म्यूजिक के कौन से घराने से संबंधित है, किराना घराने से संबंधित है, और प्रभा अत्री किराना घराने से संबंधित, यानी सी गलत है। तो जो गलत है वही तो सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सवाल यही पूरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल म्यूजिक घराना इज नॉट करेक्टली मैच्ड।
क्लासिकल म्यूजिक घराना इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा कि पंडित छटनू लाल मिश्रा जो है वो आपके पाटियाला घराने से नहीं बल्कि वो किराना घराने से आपके संबंधित है। चारकुला, ये देखो चारकुला क्या आ गई, तो चारकुला एक मौसमी लोक नृत्य है। चारकुला क्या है, तो चारकुला एक मौसमी लोक आपके नृत्य है। अब सवाल बड़े कि ये कहां का नृत्य है, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। तो जब हम चारकुला के बारे में बात करें तो चारकुला ये ध्यान रखने की जरूरत है, ये मौसमी लोक नृत्य है और ये कहां पे, मध्य प्रदेश में, ओडिशा, झारखंड में कहीं पे नहीं, ये आपके उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और ये उत्तर प्रदेश की कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपको जाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में वज्र क्षेत्र में आपको जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के वज्र क्षेत्र में आपको जाना पड़ेगा। तो ब्रज जो क्षेत्र है वहां से आपको ध्यान देने की जरूरत है, उस वाले क्षेत्र में ये आपका जो क्लासिकल डांस है, जो सॉरी फोक डांस है, वो बहुत ही ज्यादा आपकी फेमस है भाई, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्त्री या पुरुष स्त्री वेश धारण करके सिर पर मिट्टी के, क्या करा जाता है भाई, तो सिर पर मिट्टी के 108 दिए वाला 108 दीपकों से सजा ब्रज क्षेत्र, 108 दीपकों से सजा 108 दीपकों से सजा पांच फ्लोर वाले एक आपके दिया की आकृति होती है और उसको सिर पर रख करके पिरामिड नुमा, यानी आप देखोगे तो पिरामिड शेप का आपके बना होता है, पिरामिड शेप का बना होता है और उस पिरामिड शेप का बना हुआ जो चारकुला होता है, उस चारकुला को ये लोग अपने सर के ऊपर रखते हैं, उस चारकुला को अपने सर के ऊपर रखते हैं और तब जा करके उसको बैलेंस करते हुए आपके नृत्य को करते हैं, नृत्य को करते हैं। अब ये नृत्य धीरे धीरे इतना ज्यादा फेमस हो गया है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इस डांस के लोग आपके अब करने लगे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अब गिरजा देवी बहुत ही फेमस आपकी म्यूजिशियन है, तो गिरजा देवी का संबंध किससे भाई, तो गिरजा देवी आपके बनारस घराने से संबंधित है। तो गिरजा देवी है कौन, तो बहुत ही फेमस आपके क्लासिकल सिंगर है, बहुत ही फेमस आपके क्लासिकल सिंगर है, बहुत ही फेमस क्लासिकल सिंगर है। नाम क्या है भाई, तो उनका नाम है गिरजा देवी। और कौन से घराने से बिलोंग करती है भाई, तो ये बनारस घराने से बिलोंग करती है। और ये किस आपके विधा से संबंधित है, तो ये विधा से संबंधित है ठुमरी। कौन से विधा से संबंधित है, कौन से गायन से संबंधित है, तो ये आपके संबंधित है ठुमरी। ये किससे संबंधित है भाई, ठुमरी से संबंधित है, बहुत फेमस। और बताया जाता है कि गिरजा देवी को भारत सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, इनको पद्मश्री पुरस्कार की बात करें वो भी मिला है। जब पद्म भूषण पुरस्कार की बात करते हैं तो ये भी इनको प्राप्त हुआ है। इसके अलावा पद्म विभूषण यानी भारत रत्न के बाद जो तीनों सर्वश्रेष्ठ आपके कैटेगरी है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये तीनों के तीनों इनको प्राप्त हुआ। और 2017 में इनका क्या हो गया, तो 2017 में इनका निधन हो गया। तो जब भी गिरजा देवी के बारे में बात करें तो ठुमरी गायन से आपके संबंधित थी और बनारस क्षेत्र से, बनारस घराने से बिलोंग करती थी। लखनऊ फेस्टिवल जिसे अब लखनऊ उत्सव जिसको अब हम लखनऊ महोत्सव कहते हैं, उसको कब आपके शुरू किया गया था, कब आपके प्रारंभ किया गया था, तो लखनऊ महोत्सव के बारे में बात करें, क्या 1985-86 में, 89-90 में, 75-76 में, 79-80 में। तो सवाल बोले कि लखनऊ उत्सव विच इज नाउ कॉल्ड लखनऊ महोत्सव, ये कब स्टार्ट हुआ था भाई, ये 1975-76 में, 1975-1976 में इसको स्टार्ट किया गया था, 1975 में 1976 में इसको शुरू किया गया था। अब आप सब लोगों के अंदर क्वेश्चन आएगा कि इस साल किया गया था,
तो 1975-1976 में इस साल साउथ एशियन टूरिस्ट ईयर आपके मनाया गया था, साउथ एशियन टूरिस्ट ईयर आपके मनाया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो आपके टूरिज्म है उसके लिए लखनऊ के आर्ट एंड कल्चर और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये आपके लखनऊ उत्सव शुरू हुआ, जिसको अब आपके क्या किया जाए, यानी हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि लोग लखनऊ के आर्ट एंड कल्चर को नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आपके देखे, और दूसरी बात कि यहाँ पे हम क्या करें भाई, टूरिज्म को हम लोग क्या कर दे, बढ़ावा दे, तो इसके लिए ये आपके साउथ एशियन टूरिस्ट ईयर के तौर पे इसको आपके मनाया गया, और उसके बाद से लखनऊ उत्सव और महोत्सव आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, एवरी ईयर बड़े धूमधाम से अब इसको क्या करा जाता है भाई, मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र आपकी स्थित है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र आपकी स्थित है, तो उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र अगर हम इसको बोले तो ऐसे लिख सकते हैं भाई, हम लोग लिख सकते NC, यानी नॉर्थ सेंट्रल जोन। किस तरीके का भाई, तो नॉर्थ जो सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर NCZCC। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये कहां पे स्थित है, तो ये आपके प्रयागराज में स्थित है, जिसको आप इलाहाबाद कहते थे पहले, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। और आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि 1986 में मानव संसाधन मंत्रालय, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर था, उसके तत्वाधान में इसको बनाया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आप सब लोग बहुत ध्यान से, कुछ उत्तर प्रदेश में बहुत ही फेमस आपके जगह है, और बोले कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में आपके मतलब है, और इसमें से कौन सा जो है आपके स्टेटमेंट सही नहीं है, या कौन सा मैचिंग सही नहीं है। जब बटेश्वर के बारे में बात करें तो बटेश्वर कहां पे भाई, आगरा में, अभी मैंने बताया। दीवा शरीफ की बात करें तो दीवा शरीफ कहां पे भाई, बाराबांकी में कहां पे भाई, तो दीवा शरीफ के बारे में बात करें तो बाराबांकी में। जब हम संकिसा की बात करें फरुखाबाद में, बिठूर की बात करें तो कानपुर में, और यही वो बिठूर है जिसके पास आप सब लोगों को क्या दिखाई देगा, तो जिसके पास आप लोग जो अंतिम मराठा पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उनको पेंशन दे करके क्या कर दिया था भाई, बैठा दिया गया था। सवाल देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक गीत नहीं है भाई, सवाल यही पूछ रहा है भाई, तो ये सवाल आपको समझने की जरूरत है कि सवाल पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का फोक सॉन्ग नहीं है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसका सही, देखो कजरी उत्तर प्रदेश का फोक सॉन्ग है, चैती भी फोक सॉन्ग है, सोहर भी फोक सॉन्ग है, लेकिन ये जो 13 ताल है वो आपके नहीं है। जब कजरी की बात करें, सोहर की बात करें, चैती की बात करें, ये जो 13 ताल है ये आपके राजस्थान का फोक सॉन्ग है, राजस्थान का फोक डांस है। ये राजस्थान का क्या भाई, तो ये जो 13 ताल है वो राजस्थान का फोक डांस के तौर पे दिखाई देता है, राजस्थान के फोक डांस के तौर पे आपको दिखाई देता है। इस 13 ताल का यूपी से कोई भी लेना देना नहीं है, और ये जो राजस्थान का फोक डांस है वो राजस्थान के एक ट्राइब होती है कमाड, उस कमाड जाति के द्वारा ये आपके डांस परफॉर्म किया जाता है, ये कमाड जाति के द्वारा ये डांस आपके परफॉर्म किया जाता है, जिसमें जो फीमेल है वो अपने क्या कर देती है, वो अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांध करके नृत्य करती है, वो अपने बॉडी पर क्या करती है, 13 मंजीरे बांध करके उसके बाद आपके नृत्य को करती है, बांध करके क्या करती है, डांस करती है। तो कुछ कुछ फोक डांस ऐसे हैं कि जो बिना एक्सपर्टीज के हम और आप तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और कुछ कुछ डांस ऐसे हैं कि जिसको करने के लिए कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, जैसे भांगड़ा है, जैसे
गिद्धा है, जैसे डांडिया है, जैसे गरबा है, इसको थोड़ा बहुत अगर आप सीख लेते हैं तो आराम से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसके बारे में समझने की जरूरत है। अब जो कजरी है, वो कजरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बहुत ही ज्यादा फेमस आपके लोकगीत है, लेकिन अब तो ये संपूर्ण यूपी में आपको गायन होता है इसका। इसमें क्या होता है कि वर्षा ऋतु में, ये आपके रेनी सीजन में वर्षा ऋतु में ये गीत आपके गाया जाता है, वर्षा ऋतु में। और सोहर कब गाया जाता है भाई? आप लोगों ने गाना सुना है कि बबुआ हमार सीएम हुई है, नाना ये दादा पीएम हुई है, तो सोहर के बारे में जब हम बात करें तो सोहर ये गाया जाता है कब? तो संतान होने पर, जब खुशी किया जाता है, जब खुशी की बात होती है तो संतान होने पर घर में जब खुशी आता है तो लोग सोहर गाते हैं। और चैती जो है वो चैत माह में, जो हिंदी का महीना होता है चैत माह, उसमें ये चैती गीत गाया जाता है। और इसमें इसमें किस चीज का, इसका सब्जेक्ट क्या होता है? प्रेम प्रदर्शित किया जाता है, प्रकृति को उसमें दर्शाया जाता है, और होली के लिए भी तैयारी आपकी करी जाती है। तो इस तरीके से 13 ताल आपकी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? क्वेश्चन बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फोक डांस ऑफ यूपी? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो देखो, चरकुला फोक डांस है यूपी का, कर्मा भी है, पाई डंडा भी है, लेकिन फगुआ के बारे में बात करें, इट इज नॉट अ फोक डांस। ये ध्यान रखने की जरूरत है, ये फगुआ आपका क्या है? सॉन्ग, ये गाना है, ये गाना गाया जाता है होली के समय में। और चरकुला मैंने आपको बता ही दिया कि ब्रज क्षेत्र में ये डांस आपके चरकुला किया जाता है, जिसमें जो आपके डांसर होते हैं, जिसमें जो आपके डांसर होते हैं, वो डांसर क्या करते हैं, तो वो अपने सर के ऊपर 108 दिए चारकुला सजा लेते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं भाई? नृत्य करते हैं भाई। अब आपने बोला कि सर ये भी सही बात है, ये भी सही, वो भी सही, सब सही, तो गलत क्या है? ठुमरी, ठुमरी देखिए भाई, ये ठुमरी के संदर्भ में अगर हम बात करें कि ठुमरी के संदर्भ में कौन से कथन आपको सही दिखाई देते हैं भाई? ठुमरी, अगर हम ठुमरी के बारे में बात करें तो ये ठुमरी की जो उत्पत्ति है ये उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठुमरी बहुत ही ज्यादा आपकी सुगम है, बहुत ही सुगम है और बहुत ही ज्यादा आकर्षक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और बिंदादीन, आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, बिंदादीन इन्होंने क्या किया, तो ठुमरी गायन का कथक में जो कथक आपका क्लासिकल डांस होता है उसमें इन्होंने ठुमरी गायन का समावेश किया। इन्होंने क्या किया भाई? ठुमरी गायन का समावेश किया। किसने भाई? बिंदादीन ने। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सही है। कौन सा एक उत्तर प्रदेश का फोक डांस है भाई? कौन सा एक उत्तर प्रदेश का फोक डांस है? तो उत्तर प्रदेश के फोक डांस, देखो सिग्मो, सिग्मो नहीं है, सिग्मो की बात करें ये कहां का भाई? गोवा। अगर मोडनी की बात करें तो गोवा, घोड़ी की बात करें तो गोवा। सवाल बोले कि अगर हम जैता की बात करें तो ये जैता जो है उत्तर प्रदेश का फोक डांस है। बात समझ गए? तो जैता जो है ये यूपी का है, बाकी सब के सब गोवा के हैं। गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? जितने भी गुप्त काल के आपके मंदिर हैं, जितने भी गुप्त काल के मंदिर है उनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में आपके अवस्थित है? तो देखो यहां पे एक एक करके समझिएगा, ये सारे के सारे, ये जैसे नचना कुठार के मंदिर के बारे में बात करें मध्य प्रदेश में स्थित है, तिगवा के विष्णु मंदिर की बात करें मध्य प्रदेश में स्थित है, बुमरा के शिव मंदिर की बात करें मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन जब हम देवघर के दशावतार मंदिर के बारे में बात करते हैं, देवघर के दशावतार मंदिर के बारे में बात करते हैं तो ये आपको कहां पे दिखाई देगा? ललितपुर में दिखाई देगा। और ललितपुर कहां पे दिखाई देता है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में कौन से नदी के किनारे भाई? तो बेतवा नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे। और बेतवा नदी के बारे में बात करें तो बेतवा यानी बेत्रवती नदी। कौन सी नदी भाई? बेत्रवती नदी के किनारे आपको दिखाई देगा भाई, बेतवा यानी बेत्रवती नदी के किनारे आपको दिखाई देगा। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है।
नेक्स्ट सवाल देखिए भाई क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो देखो सुनो गौर से दुनिया वालों, जल विहार का मेला कहां पे लगता है, बुंदेलखंड में, ठीक है भाई। और बुंदेलखंड का मतलब आप समझ ही जाओगे महोबा चित्रकूट वाला। बटेश्वर का मेला कहां पे लगता है, पश्चिमांचल में। बलदेव छठ का मेला ये आपके पूर्वांचल में नहीं लगता है, बलदेव छठ का जो मेला है वो लगता है आपके फरीदाबाद, और फरीदाबाद के लिए कहां पे जाना पड़ेगा भाई, हरियाणा में जाना पड़ेगा। और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में कहां पे लगता है भाई, मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट सवाल देखिए भाई, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कौन से ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों के दोनों आपके आते हैं भाई, हिंदू भी आते हैं मुसलमान भी आते हैं, तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो फुलडोल का मेला है, अगर फुलडोल के मेला के बारे में बात करें तो राजस्थान के भिलवाड़ा में इस मेला को मनाया जाता है, ठीक है भाई। अगर बटेश्वर के मेला के बारे में बात करें तो ये आपके आगरा में लगाया जाता है, ठीक है भाई, आगरा में होता है। अब यहां पे एक मेला बचा, उसको क्या बोलते हैं, नौचंदी का मेला। तो नौचंदी का जो मेला है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में इसका आयोजन किया जाता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एवरी ईयर इसका आयोजन किया जाता है, एवरी ईयर। और कौन से अवसर पे होता है, तो नवरात्रि के अवसर पे होता है। कौन से अवसर पे होता है भाई, तो नवरात्रि के अवसर पे होता है। तो नवरात्रि के समय प्रत्येक साल मेरठ में इस मेले का आयोजन किया जाता है, और इसमें दोनों के दोनों लोग, हिंदू भी पार्टिसिपेट करते हैं और आपके मुस्लिम भी पार्टिसिपेट करते हैं, हिंदू भी पार्टिसिपेट करते हैं और आपके मुस्लिम भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपने बोला कि ठीक है डन नो प्रॉब्लम, हिंदू भी पार्ट, इसका मतलब क्या है कि ये एक तरीके से कॉम्युनल हारमोनी के लिए होता है, ये यूनिटी के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, यूनिटी के लिए होता है कि ताकि हारमोनी बना रहे, भाईचारा बना रहे। और ये 1672 से 1672 से ये मेला आपके मनाया जा रहा है, तो ये बहुत पुराना आपके मेला है भाई। इसको कानपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है भीतरगांव मंदिर, उसके बारे में कौन सा कथन आपके सही है भाई। अगर हम भीतरगांव मंदिर के बारे में बात करें तो इस मंदिर का जो निर्माण है कब किया गया, तो 5वीं सदी से लेकर के 6वीं सदी तक किया गया। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि उस समय जो मंदिर थे वो पत्थरों के बने होते थे, ये जो मंदिर है ये आपके ईंटों से बना हुआ मंदिर है और भारत के प्राचीनतम मंदिर में से एक है। इसका सीधे तौर पे तो दोनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब जब कानपुर उत्तर प्रदेश में जब हम आपके भीतरगांव मंदिर के बारे में बात करते हैं तो इसका निर्माण किसके दौरान हुआ, तो देखो 5वीं यानी 5th सेंचुरी AD से लेकर के 6th सेंचुरी AD तक इसका हुआ। आपने बोला कि सही बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात जो हमें समझना है कि इसका निर्माण किसके दौरान, तो गुप्त पीरियड के दौरान इसका निर्माण हुआ था। किसके दौरान भाई, गुप्त पीरियड के दौरान, गुप्त पीरियड के दौरान इसका निर्माण हुआ था। आपने बोला कि चलो ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जितने भी ईंट से बने हुए हैं, मेड अप ऑफ ब्रिक्स, जितनी भी ईंट से बने हुए मंदिर हैं उनमें प्राचीनतम मंदिरों में से इसका भी नाम आता है भाई। ये कैसे बनाया गया है, तो भाई सबसे नीचे जब देखेंगे तो एक आपको वर्गाकार चबूतरा दिखेगा, सबसे नीचे क्या दिखेगा भाई, एक वर्गाकार आपको चबूतरा दिखेगा, सबसे नीचे क्या दिखेगा भाई, तो एक वर्गाकार चबूतरा दिखेगा। अब इस वर्गाकार चबूतरे के ऊपर इसमें आपके चैत्य के आकार के मेहराब बने हुए हैं और बाहरी दीवारों में जो ताक बने हुए हैं उसमें अलग अलग तरीके की हिंदू देवी देवता, ये क्या भाई स्क्वायर शेप का है, ये वर्ग के आकार का है। और बाहरी जो आपके है उसमें ये अलग अलग आपके हिंदू देवी देवता के चित्र आपको बनाए हुए हैं। और जो इसके दीवार है उस दीवार को रामायण महाभारत पुराण के अलग अलग जो आख्यान है उससे आपको सजाया गया। अब देखो ये लोकगीत है,
लेकिन ये लोकगीत कब गाया जाता है? चैती एक मौसमी गीत है जो चैत के महीने में प्रेम प्रदर्शित करने के लिए, प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए। होली का मतलब एक तरीके से विषय वस्तु को लेकर के गाया जाता है। कजरी के बारे में बात करें तो ये भी एक विवाह के मौसम पे किया जाने वाला गीत है और ये भी एक मौसमी गीत है। रसिया के बारे में बात करें तो रसिया जब भी आ जाएगा तो ब्रज में चले जाना, ब्रज का लोकगीत है जहां पे लठमार होली। सोहर जो है संस्कार गीत है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके गायन होता है ये किसी के जन्म के अवसर पे होता है। तो 4321 आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजपुरी जो हो यूपी के लाला, पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है भोजपुरी। देखिए एक चीज मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि अभी भोजपुरी को उसमें शामिल नहीं किया गया है, आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, लेकिन तब भी इसको बोलने वाले लोग बोल जाता है तो ठीक है। इसको हाँ, इसको अगर भाषा बोलता तो गलत हो सकता था, लेकिन आप फूक लैंग्वेज बोल सकते हैं क्योंकि अभी इसको भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपके बोले जाते हैं। अब दूसरा जो कारण दे रहा है, देखो कितना कितना गलत कारण दे रहा है। अगर उस समय आरओ में किसी बच्चे ने पेपर दिया होगा तो बिना सोचे समझे इसको सही मार दिया होगा। क्वेश्चन ही कह रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। भाई ये कौन सी बात है भाई, वहां के लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं, कुछ कुछ तो कन्नड़ तमिल तेलुगु सब बोलता है। तो इसमें ए सही है और आर आपके गलत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल से संबंधित, ताजमहल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताजमहल से संबंधित, अब यहां पे जैसे हमने देखा लखनऊ महोत्सव, उसी तरीके से यहां पे आपके ताज महोत्सव होता है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश का उद्घाटन था, इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था, ठीक है भाई। यह वर्ल्ड हेरिटेज जो आपके स्मारक है उसकी सूची में शामिल है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसकी सुरक्षा, और सबसे बड़ी समस्या क्या है, अम्ल वर्षा। कौन सा भाई, एसिड रेन। एसिड रेन के चलते जो आपके जो उसके आसपास के जो इलाके हैं उसमें फैक्ट्री की बहुलता के कारण उससे जो आपके निकलते हैं और उससे जो एसिड रेन इस ताजमहल के रंग को कहीं ना कहीं आपके धूमिल कर रहा है, ताजमहल के कलर को कहीं ना कहीं धूमिल कर रहा है, और ये जो उजला सफेद चादर में लिपटा हुआ ताजमहल था वो आपके पीला पड़ते जा रहे हैं, और इसके ऊपर सरकार काम भी कर रही है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख के लिए कौन सा कार्य संस्कृति विभाग के नहीं है, कौन सा कार्य संस्कृति विभाग की नहीं है, तो उसकी बिक्री, उसको बेचना इसका काम नहीं है, उसका संरक्षण करना, प्रदर्शन करना, उसको पब्लिश करना, उसको रिकॉर्ड में रखना, ये सब इसके काम के तौर पे दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई। अब देखो सवाल ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कोई दिक्कत की बात नहीं। नौचंदी मेला आपके मेरठ में लगता है, यह भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। भारत कला भवन वाराणसी में, और भारत माता मंदिर भी वाराणसी के काशी विद्यापीठ। जब चौरसिया नृत्य के बारे में बात करें तो ये गोरखपुर में नहीं होता है बाबू, ये होता है जौनपुर में। जौनपुर के नृत्यकों के द्वारा, जौनपुर के डांसर्स के द्वारा ये चौरसिया नृत्य आपके वो किया जाता है, चौरसिया नृत्य। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाकुंभ मेला। तो देखो महाकुंभ, एक है कुंभ और एक है महाकुंभ, सुनिएगा आप सब लोग, तो यानी प्रयाग जो है उसमें दो कुंभ का आयोजन किया जाता है, दो कुंभ पर्व का आयोजन किया जाता है। आफ्टर एवरी सिक्स इयर्स, प्रत्येक छह वर्ष पर अर्ध कुंभ, जिसको अब जाकर के हम लोग कुंभ कहने लगे, प्रत्येक छह वर्ष पर।
और प्रत्येक 12 वर्ष पर, प्रत्येक 12 वर्ष पर हम लोग क्या करते हैं, कुंभ का आयोजन करते हैं, लेकिन अब उसको महाकुंभ कहा जाने लगा है। यानी अब कुंभ को हम लोग क्या कहते हैं, महाकुंभ, और अर्ध कुंभ को क्या कहते हैं, कुंभ कहते हैं। तो जब भी महाकुंभ के बारे में बात करें तो 12वें साल में इसका आयोजन होता है। इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो यानी कहने मतलब कि कुंभ को, अर्ध कुंभ को अब क्या कहा जाता है, तो अर्ध कुंभ को अब हम लोग कहते हैं कुंभ, और जो आपकी कुंभ है उस कुंभ को क्या कहते हैं, महाकुंभ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई, महाकुंभ कहते हैं। नाउ अब के समय की अगर हम बात करें, बात समझ में आ गया आप सब लोगों को। और ये कहां कहां पे लगता है महाकुंभ, तो हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे, उसके बाद महाराष्ट्र में नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, उसके बाद उज्जैन में मध्य प्रदेश में छिपरा नदी के किनारे। ये सवाल देखिए, रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन तक होता है, तो बहुत ही फेमस है, और 31 दिनों तक ये रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन आपके चलता है, रामलीला का मंचन चलता है। तब देखो, एक है रामायण जो कि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई, और एक है रामचरितमानस जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई। अब ये जो आपके रामलीला का मंचन किया जाता है वो काशी नरेश के द्वारा आयोजित किया जाता है, और 31 दिन तक प्रत्येक शाम नगर, प्रत्येक शाम में रामनगर में इसका आयोजन होता है। भाई कौन सा एक कथक कलाकार नहीं है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथक कलाकार नहीं है, तो देखो बिरजू महाराज कथक कलाकार है, लच्छू महाराज है, सितारा देवी है, किशन महाराज के बारे में बात करें तो ये तबला वादक थे, तबला बाजे धीम धीम एक पर तीन थी, ये कहां से थे भाई, तबला वादक थे। और कौन से घराने से बिलोंग करते थे, तो ये आपके बनारस घराने से बिलोंग करते थे। निम्नलिखित युगमों में से कौन सा सही सुमेलित आपके नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित आपके नहीं है। अब सवाल देखो, अलग अलग नाम आपको दिया है, ब्रज में रास नृत्य होता है, मिर्जापुर में बिरहा होता है, मिर्जापुर में कजरी भी, गायकी मुबारक अली खान गायक है। जब हम आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हम श्री राम श्रीवास्तव की बात करें तो ये हारमोनियम नहीं बजाते हैं, ये आपके वायलिन बजाते हैं, वायलिन, ये क्या बजाते हैं भाई, वायलिन बजाते हैं, तो इनका हारमोनियम से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है भाई, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व, अगर हम बात करें कि यूपी का जो गुरु पूर्णिमा पर्व है वो किसको समर्पित है, तो ये आपके जो गुरु पूर्णिमा पर्व के बारे में बात करते हैं तो इसको आषाढ़ मास की, कौन से महीने की भाई, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को जो महाभारत के रचयिता थे, संकलन करता जिनका नाम क्या, वेद व्यास, उनका इस दिन क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और वेद व्यास के इस दिन जन्म लेने के कारण ही आप लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्ट पता लगेगा, इसी दिन से आपके गुरु पूजन का शुरुआत हुआ भाई, इसी दिन से गुरु पूजा का विधान आपके शुरू हुआ। तो जो गुरु पूर्णिमा है वो वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है, और इस दिन से 4 महीने तक जो परिव्राजक होते हैं वो साधु संत एक ही स्थान पर रख करके ज्ञान की गंगा आपके बहाते हैं। ठीक है भाई, आंसर हो जाएगा, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म, और मैंने आपको बता दिया
गिरजा देवी का जन्म कहाँ पे हुआ था भाई? वाराणसी में हुआ था, और 2017 में इनका डेथ हुआ है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, सारी की सारी पुरस्कार ये जितने भी भारत के बड़े बड़े पुरस्कार है सब इनको प्राप्त हुआ है, और इन्होंने ठुमरी को बहुत ही ज्यादा आपके फेमस बनाया है। ठीक है भाई, किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान आपके नहीं दिया है? किसने सांस्कृतिक में आपको जो, देखो मेहदी हसन के बारे में बात करें तो ये एक गजल गायक थे, ये गजल गायक थे। बिंदादीन ने किया है, उस्ताद दुल्ले खान ने दिया है, इलियास खान ने दिया है, लेकिन मेहदी हसन का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। अब बिंदादीन के बारे में बात करें तो ये किससे संबंधित है? तो ये कथक डांस से संबंधित है। किससे संबंधित है? सीखना है सब लोगों को, एक एक लोग ध्यान से सीखते रहेंगे। कथक डांस आता है तो बताना है, नहीं आता है तो अपनी नोटबुक में नोट करते जाना है। ठीक है ना, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई परेशानी की बात नहीं, सब सीखना है। उस्ताद दुल्ले खान के बारे में बात करें, ये कौन से भाई? गायकी के अलग अलग आपके प्रकार आते हैं, उसी में से गायकी ख्याल गायकी, उस ख्याल गायकी से संबंधित है। इलियास खान के बारे में बात करें तो सितार वादन से संबंधित है। किसे संबंधित है भी? सितार वादन से संबंधित है। जबकि मेहदी हसन एक गजल गायक है। सवाल देखिए, भीमसेन जोशी कौन से घराने से आपके संबंधित है? भीमसेन जोशी कौन से आपके घराने से संबंधित है? तो ये आपके किराना घराने से संबंधित है। बनारस घराने के बारे में बात करें तो बनारस घराने से कौन कौन संबंधित है? तो पंडित राम सेवक मिश्र संबंधित है, शिव नारायण मिश्र संबंधित है, नागेंद्रनाथ भट्टाचार्य संबंधित है। लखनऊ घराना जो ख्याल गाय के लिए प्रसिद्ध है, नसीर खान, गुलाम हुसैन, गणपत राव आपके संबंधित है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका आपकी अपनाई? तो आप सब लोगों को मैं बार बार बताता हूं कि अमीर खुसरो का जो जन्म था अब की कासगंज जिला में आपके हुआ था। इसका कहां पे हुआ था भाई जन्म? इसका बॉर्न के बारे में बात करें तो इसका जन्म कहां पे हुआ था? तो इसका जन्म आपको ध्यान रखने की जरूरत है, कासगंज जिला में आपके हुआ था। कौन सा भाई? तो उसके गांव का नाम क्या था? पटियाली, जिसको मोमिनपुर के नाम से जाना जाता है, पटियाली मोमिनपुर। ये आपके कहां पे? कासगंज में, वहीं पे अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। स्टार्टिंग में इसका नाम अबुल हसन था, फारसी का बहुत ही बेहतरीन साहब का कवि और ये सब था। बताया जाता है कि इसने खड़ी बोली के विकास में बहुत महत्वपूर्ण आपकी भूमिका निभाई, और दिल्ली के एक नहीं, इसने दिल्ली के साथ साथ शासकों के शासनकाल को देखा, और इसको हिंद का तोता कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? टू टी ए हिंद कहकर के एड्रेस करते हैं। इसको क्या कहकर के एड्रेस करते हैं? टू टी ए हिंद कहकर के एड्रेस करते हैं। इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है भाई। उत्तर प्रदेश शासन ने एक पुरस्कार की शुरुआत करी, संगीत रत्न पुरस्कार। तो सवाल ये पूछ रहा है कि जो संगीत रत्न पुरस्कार है, वो संगीत रत्न पुरस्कार आपके जिसकी स्मृति में दिया गया, तो संगीत रत्न पुरस्कार आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह का, जो शहनाई वादक थे, और ऐसे शहनाई वादक जिनको भारत रत्न पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया, तो वैसे शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को संगीत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया भाई? तो संगीत रत्न पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। आपने बोला कि चलो ठीक है भाई, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म आपके कहां पे हुआ था? तो इनका जन्म बिहार के डुमराव में हुआ था। इनका जन्म कहां पे हुआ था? इनका जन्म बिहार के डुमराव नामक जगह पे हुआ था, लेकिन इनका निधन वाराणसी उत्तर प्रदेश में आपके हुआ। इनका निधन कहां पे हुआ भाई? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका निधन हुआ, यूपी के बनारस में इनका निधन हुआ। और ये भारत रत्न से आपके सम्मानित है।
सहनाई वादन के लिए हम इनको जानते हैं, सहनाई वादन के लिए नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उत्तर प्रदेश मध्य, अभी मैंने आप सब लोगों को ये बता दिया इसका कहाँ पे आयोजन किया जाता है भाई, तो आपके वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था, जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था अगर उसके बारे में बात करें तो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, इसके बारे में। और ये कहां पे है भाई, ये लखनऊ में है। और ये सबसे पहले आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये आपके आयोजित आपके एस्टैब्लिश किया गया था, इसके माध्यम से आपको संगीत शिक्षा दिया जाता है। फिर से सवाल यही पूछ रहा भाई, और जितनी बार पूछेगा, देखो कुछ कुछ सवाल ना आपके एग्जाम के आपके पेपर के बहुत ही आपके क्या हो जाते हैं, प्रिय क्वेश्चन हो जाते हैं, और एक बार नहीं वो जितनी बार भी पूछे ना वो थकता नहीं है। तो इसलिए जब वो नहीं थके तो फिर हम सब लोगों को मार देना है भाई। तो जब यहाँ पे देखें तो सीधे तौर पे उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में कहाँ स्थित है भाई, प्रयागराज में स्थित है भाई, ठीक है। हाथरस और कानपुर में किस प्रकार की परंपरा आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आपको रंगमंच, यहाँ पे दोनों जगह पे आपको एक दिखाई देगा रंगमंच थिएटर दिखाई देगा, जिसको हम नौटंकी कह करके एड्रेस करते हैं, जिसको हम नौटंकी कह करके एड्रेस करते हैं, तो क्या भाई रंगमंच दिखाई देगा। होली के त्योहार पर लठमार होली आपके कहाँ पे मनाई जाती है बताइए तो आप सब लोग, ये फेवरेट क्वेश्चन है आप सब लोगों का। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली कहाँ पे मनाई जाती है, तो जब लठमार होली की बात करें तो इसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, बरसाने वाली राधे, बरसाने में आपको जाना पड़ेगा। और एवरी ईयर ये आपको देखने को मिल जाएगा, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जाना, और आप वहां से हो तब तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये कौन सा भाई, तो फाल्गुन महीने, कौन से महीने में, फाल्गुन महीने। तो फाल्गुन महीना में, फाल्गुन महीना में उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली का आयोजन किया जाता है, कहां पे, तो मथुरा जाना पड़ेगा। और मथुरा में कहां पे जाना पड़ेगा, बरसाना जाना पड़ेगा, और वहां पे इस तरीके के कल्चर को आप देख सकते हैं। इसके अलावा मथुरा में और भी फेस्टिवल आपके मनाए जाते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा, कौन सा भाई, तो जैसे आप लोगों को पता होगा यमुना महोत्सव मनाया जाता है, विश्राम घाट पर यह मनाया जाता है, आपको यह भी ध्यान रखना है। अब देखो लोकगीत, कौन सा लोकगीत कौन से क्षेत्र से संबंधित है, अगर आप बिरहा आप देखना चाहते हैं तो बिरहा के लिए पूर्वांचल चले जाइए, रसिया के लिए ब्रजभूमि चले जाइए, आला के लिए बुंदेलखंड में जाना पड़ेगा, और कजरी के लिए अवध में आपको जाना पड़ेगा, कजरी में आपको अवध में जाना पड़ेगा, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से नृत्य आपके सुमिलित नहीं है, अलग अलग जगह से, देखो जो कर्मा नृत्य है ना वो महोबा से नहीं सोनभद्र से संबंधित है। दीवर के बारे में तो कहा, ठीक है, धूरिया बुंदेलखंड नटवरी आपके पूर्वांचल। नेक्स्ट देखिए, कौन सा एक सुमिरित नहीं, देख रहे कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है, यूपीपीसीएस लोअर पीसीएस मेंस में आपके 2015 में, यूपीपीसीएस प्री 2004 में, यूपीपीसीएस प्री 2010 में, यूपीपीसीएस मेंस जब आपके होता था 2010 में, मतलब एक ही सवाल, एक ही सवाल को कितने बार पूछा गया। इसीलिए कौन से सवाल आपके कहां पे आ जाए कोई नहीं जानता है। कजरी जो है, कजरी मैंने आपको बताया कहां पे, कजरी के लिए आपको जाना पड़ेगा मिर्जापुर, आला बुंदेलखंड में, बिरहा यूपी पूर्वांचल में, चैता आपके अवध और भोजपुरी क्षेत्र में आपको दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा आपके सही सुमेलित नहीं है भाई, अब देखो हस्तिनापुर की बात करें तो मेरठ, अगर विंध्याचल की बात करें तो मिर्जापुर में, देवा शरीफ की बात करें तो बाराबंकी में, लेकिन सिरिंगवेरपुर के बारे में बात करें तो ये आपके प्रयागराज में आपको दिखाई देता है, नौचंदी मेला बहुत ही फेमस, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक प्रतीक, जहां पे देवी नौचंदी का मंदिर है और बड़े मियां की मजार स्थित है, इसीलिए देवी नौचंदी के लिए हिंदू जाते हैं
और बड़े मियां की बाजार के लिए आपके मुस्लिम जाते हैं और प्रत्येक साल आपके लगता है, कहां पे लगता है भाई, मेरठ में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकंबरी देवी मेला का आयोजन आपके कहां पे होता है, साकंबरी देवी है कहां पे? साकंबरी देवी मेला के बारे में बात करें तो ये विंध्याचल में नवरात्र के अवसर पे विंध्यावासिनी धाम पर बहुत विशाल मेला लगता है। और ये कहां पे आपके लगता है भाई, तो इसके लिए आपको सहारनपुर जाना पड़ेगा। सहारनपुर में ये आपके मेला लगता है। भारत माता मंदिर आपके कहां पे स्थित है, मैंने इसके बारे में आपको डिस्कशन किया। जब हम भारत माता मंदिर के बारे में बात करते हैं तो भारत माता मंदिर ये वाराणसी में स्थित है, जो काशी विद्यापीठ है उसी के कैंपस में ये आपके स्थित है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुंड उत्सव उत्तर प्रदेश में कहां पे आयोजित किया जाता है, सुलहकुंड उत्सव उत्तर प्रदेश में कहां पे आयोजित किया जाता है, तो आगरा में आयोजित किया जाता है। कहां पे भाई, आगरा में। तो प्रत्येक साल ये आयोजन 18 से लेकर के 27 फरवरी तक इसका आयोजन होता है। एवरी ईयर प्रत्येक साल 18 से लेकर के 27 फरवरी तक इसका आयोजन होता है। और कहां पे इसका आयोजन होता है भाई, आगरा में आयोजन होता है। और इसमें क्या आर्ट को, क्राफ्ट को, कल्चर से बहुत सारे आपके प्रोग्राम इसमें आयोजित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, अब देखो कौन सा मंदिर आपके कहां पे स्थित है, वृंदावन मंदिर मथुरा, विश्वनाथ मंदिर काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव, आंसर क्या हो जाएगा भाई, वाराणसी, देवी पाटन मंदिर आपके तुलसीपुर में, जीके मंदिर की बात करें तो लखनऊ में स्थित नहीं। जीके मंदिर आपके कहां पे स्थित है, तो जीके मंदिर के लिए आपको जाना पड़ेगा कानपुर में। कहां पे जाना पड़ेगा भाई, तो जीके मंदिर के लिए आपको जाना पड़ेगा कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सवाल देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, लास्ट तक पढ़िएगा। कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल मगहर, बिल्कुल सही बात है। भगवान बुद्ध का निर्वाण नहीं, महापरिनिर्वाण यहां पर लिख लीजिए, महापरिनिर्वाण कुशीनगर। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ में। 88,000 ऋषियों की तपस्थली, ये कौन सा भाई, नैमी सारण्य सीतापुर में भाई, नैमी सारण्य, कौन सा, नैमी सारण्य, और ये आपको कहां भी दिखाई देता है, सीतापुर में। एक नहीं, दो नहीं, 88,000, समझ गए भाई, 80,000 आपकी ऋषियों की तपस्थली के तौर पे हम नैमी सारण्य सीतापुर को जानते हैं। कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सवाल पूछ रहा है। कर्मा जो लोक नृत्य है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सोनभद्र और मिर्जापुर से संबंधित है, ये सोनभद्र और मिर्जापुर से आपके संबंधित है, ये सोनभद्र और मिर्जापुर से आपके संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, कर्मा ये हो जाएगा। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, अभी मैंने आपको बताया। तो ये मेला लगता कहां पे है भाई, ये भी तो समझना है। तो ये मेला लगता है देवा शरीफ में, और देवा शरीफ आपकी बाराबंकी में आपके पड़ता है। अगर आपको इस मजार पे जाना है तो बाराबंकी से करीब 12 किलोमीटर आपको दूर जाना पड़ेगा, और उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर यह मेला आपके लगता है। अभी देखो फिर से, मेला दिलों का आता है, आके चला जाता है, आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर, मेला दिलों का आता है। गोविंद साहब के बारे में बात करें तो इनका मेला लगता है आजमगढ़ में। कैलाश मेला की बात करें तो कहां पे लगता है भाई, आगरा में। सैयद सालार के बारे में बात करें तो कहां पे भाई, बहराइच में। साकंबरी देवी के बारे में बात करें तो कहां पे, सहारनपुर में। तो बिना सोचे बिना समझे आंसर भी मार दीजिए। अब आप सब लोग उसे बनने लगे होंगे ये सवाल। अब ये देखो, अलग अलग तरीके के ये भवन और दुर्ग है। सवाल ये पूछ रहा है कि भाई कनक भवन, कनक भवन, कनक भवन, ये कहां पे स्थित है। तो कनक भवन के लिए आपको जाना पड़ेगा अयोध्या में, कनक भवन के लिए अयोध्या में। कामदगिरी पर्वत के लिए चित्रकूट में, कालिंजर दुर्ग के लिए बांदा में, देवा शरीफ के लिए बाराबंकी,
तो सीधे तौर पे आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखा जाए। बहुत सही भाई, एकदम गजब आंसर दे रहे हैं आप सब लोग, बस लगातार लगे रहिए, लगे रहोगे तो जीत जाओगे, थोड़ा सा भी पीछे हटोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई। सूची वन को सूची दो से मिलाइए, एक तरफ है घटना और दूसरी तरफ है स्थान, एक तरफ है घटना और दूसरी तरफ है स्थान। अब आपने बोले कि सर इस घटना का इस स्थान से क्या लेना देना है, तो देखो माघ मेला इसके लिए कहां पे जाना पड़ेगा, प्रयागराज में। झूला मेला इसके लिए कहां पे जाना पड़ेगा, वृंदावन में। पशु मेला इसके लिए जाना पड़ेगा बटेश्वर में। देवा मेला बाराबांकी में। तो इसका मतलब क्या है कि कह रहा है कि प्लीज ए मारो ना। 50वां क्वेश्चन देखिए, अर्धशतक मारिए मेला बटेश्वर। अब तो भाई तुम लोग गलत करोगे तो समझ जाओ कि ये धोखा हुआ। बटेश्वर कहां पे, आगरा में। देवा कहां पे भाई, बाराबांकी में। नौचंदी कहां पे भाई, मेरठ में। हरिद्वार जयंती कहां पे भाई, वृंदावन में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलो, अब आप सब लोगों को एक होमवर्क बनाना है और बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन कमेंट में करके आप लोग बताइएगा इस सेशन के नीचे कि इसका आंसर क्या होगा। अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये टोटल आपके 180 के आसपास क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारा संडे होगा, नेक्स्ट जो हमारा संडे होगा, उस संडे को हम क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 180 तक हम लोग करेंगे। सीट बेल्ट को बांध के रखिएगा, ध्यान रखिएगा, तब तक ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना, आपको पूरी बातें आज याद हो गई होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, ऐसा मेरा पूरा मानना है। और इस होमवर्क का आंसर ऑफलाइन कमेंट करके बताना, अपना फीडबैक जरूर देना कि पहले लगता था कि सब सवाल कैसे बनेंगे, लेकिन अभी सवाल बनेंगे ही नहीं, ये सवाल आप लोग बना के रहेंगे, ठीक है भाई। तो इसका आंसर इस सेशन के खत्म हो जाने के बाद नीचे कमेंट करके देना। आपको ये क्लास अच्छी लगी, उम्मीद है कि बहुत बेहतर लगी होगी। हम सब लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक लगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना और लगातार बने रहना। और SLB जो एप्लीकेशन है उस पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, मेहनत कीजिए। आप सब लोगों को ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथी।